के प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये टेप उनके पास कहां से आया? क्या सोशल मीडिया पे जारी किसी टेप की कोई ऑथेंटिसिटी है? क्या उसकी जांच हुई थी? और जो हवाला और संदर्भ दिया गया उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्यमंत्री निवास से जारी हुआ, किसी लोकेश शर्मा के द्वारा जारी हुआ। और इसलिए ये बात साबित होती है कि राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ को देखें, इसी तरीके से किसी टेलीफोनिक बातचीत का हवाला दिया गया। ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव में तोड़फोड़ करने जा रही है। उससे पहले ये कहा कि हमारी एकता को कोई छेड़ नहीं सकता, हम जीतेंगे, वो जीत भी गए। लेकिन उस दौरान जो केसेस दर्ज हुए, आपको ध्यान हो तो 9 तारीख को राज्यसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी की बाड़ाबंदी हो गई थी और उस कन्वर्सेशन का हवाला 13 तारीख का था। क्या यह संभव है कि 9 तारीख की बाड़ाबंदी में 13 तारीख को कोई बाड़े से उनके लोग ले आए, 2 अदने से लोग पकड़े गए, उनकी बातचीत को इस तरीके से प्रचारित किया गया कि बीजेपी के नेता है? कोई भी स्थापित नेता नहीं था। और आज गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कहा है इस ऑडियो टेप की दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले वो तैयार है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। ये जाहिर सी बात है कि झगड़ा उनका है, कहीं दृश्य में नहीं थे। और यह आज मुख्यमंत्री जी के बयान से साबित होता है कि आज उन्होंने कुछ एक इंटरव्यू में बयान दिए, उन्होंने कहा कि जब मैं एमपी बना तो सचिन पायलट 3 साल के थे और अभी आ जाएं तो मैं उनको गले लगा लूं। तो भैया गले ही लगा लो, राजस्थान की जनता को क्यों छोड़ रखा अभी सारा। दूसरी बात उन्होंने कही उसी दौरान कि 1.5 साल से हमारा कोई संवाद ही नहीं। कितनी विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का संवाद ही नहीं, बीजेपी कहां से आ गई? मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी से लेके और सचिन पायलट जी तक की यात्रा में क्या जितने लोग कांग्रेस से टूट के गए बीजेपी का षड्यंत्र था क्या? अपने झगड़े को, अपनी लड़ाई को बीजेपी के माथे पर मढ़ना और जिस तरीके से राजस्थान में भय का वातावरण तैयार किया, जनप्रतिनिधियों के बीच में, छोटे दलों के बीच में, निर्दलियों के बीच में, उनकी अपनी हैसियत होती है, उनका अपना स्वतंत्र विचार है। जिस तरीके के बीटीपी के लोगों के साथ में वीडियो आप सब ने देखे, मैं दोहराना नहीं चाह रहा, वो क्या था? उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने के दौरान उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली, क्या ये हनन नहीं था विशेषाधिकार का? वो हाईवे किंग में 4 घंटे तक बंधक बनाए गए कांग्रेस पार्टी के सरकार के 2 मंत्रियों के द्वारा। ये कांग्रेस के इस शासन की सीधी सीधी सी बानगीर याद दिलाती आपातकाल की, जिसके खुद गवाह अशोक गहलोत जी। 124A अंग्रेजों का कानून, उस अंग्रेजों के कानून को जिसकी पैरोकारी 2019 में हटाने के लिए खुद की पार्टी ने की, और दर्द हुआ उनको जब कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल पर लगा। आज उस 124A की आड़ में और जिस तरीके से मुकदमे दर्ज कर डराने और धमकाने का और भयभीत करने की कोशिश हुई है, मुझे लगता है कुर्सी जाने का भय का इससे बड़ा कोई एविडेंस नहीं हो सकता। दूसरा मुझे ऐतराज है, रणदीप सुरजेवाला जी एसओजी के डीजी हैं क्या? जो भाषा इस्तेमाल की, सोर्स क्या है उसका? क्या जांच हो गई थी? इस तरीके की बनावटी बातों से हमारी पार्टी के नेताओं पर तो कम से कम लांछित नहीं करें। संजय जैन का जिक्र आया, उसको अपराधी एस्टेब्लिश किया, पकड़ा होगा, लेकिन संजय जैन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है।
और चौंकाने वाली बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी का लूणकर्ण सर का ब्लॉक अध्यक्ष रहा है, कांग्रेस के नेताओं का शागिर्द है, वो राजनीतिक हलकों में घूमता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं संजय जैन को भी प्रायोजित तरीके से बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने के लिए तो नहीं लगाया गया, पूरा फ्रेम किया ड्रामा। इस बात पर भी ऐतराज है कि संजय जैन का स्टेटस तय करें हो, और इस बात से साफ नजर आता है कि अशोक गहलोत जी कुर्सी बचाने के लिए इतने विचलित हैं, इतने असंतुलित हैं कि वो प्रतिशोध की राजनीति पर उतर आए। ये हताशा पुत्र की हार भी हो सकती है, ये हताशा इनकम टैक्स के छापे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बात का जवाब राजस्थान की जनता मांगती है कि राजस्थान की सरकार को बाड़े से कितने दिन चलाओगे। 500 से ज्यादा मौतें हो गई, आज भी 800 का आंकड़ा है, 6000 से ऊपर केसेज हो गए। उन मंत्रियों को और विधायकों को वहां की जनता ढूंढ रही है और वहां की सरकार उस बाड़े में फुटबॉल खेल रही है। इसका जवाब तो जनता जरूर मांगेगी। आपको हक है, आपकी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है यह हक तो कतई नहीं है। इसका जवाब हम मांगते हैं राजस्थान की जनता की तरफ से कि कृपया ये स्पष्ट करें कि बाड़े से कितने दिन सरकार चलेगी। कोरोना का कहीं जिक्र नहीं है, एक लफ्ज भी कभी कहो कोई रिलीफ के काम का। इसलिए मेरा सख्त ऐतराज है कि जिस तरीके से गजेंद्र सिंह जी पर आरोप लगाए और झूठा इस तरीके से प्रचारित किया गया, एक किस्म से ये मानहानि है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया खुद ने, और संजय जैन की आड़ में जिस तरीके से उनको बीजेपी का नेता साबित करने की कोशिश हुई है, मेरा ऐतराज है। मैं एक जिम्मेवार पार्टी के अध्यक्ष के नाते कह सकता हूं कि पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं, कोई हैसियत नहीं। तो ये बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ जो कार्रवाई हुई है वो अपने आप में एक मानहानि का मामला बनता है। उनका ये भी कहना था कि जो अरेस्ट हुआ है संजय जैन का, वो बीजेपी का व्यक्ति नहीं, जुड़े हुए नहीं है, कांग्रेस से उन्होंने तालमेल बताया। सतीश पुनिया का ये तक आरोप था, उनका ये भी कहना था कि ये जो कार्रवाई है जिस तरह से की जा रही है अशोक गहलोत की सरकार की तरफ से, आपातकाल की याद दिलाती है। लेकिन उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जिक्र करना कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की 1.5 साल से बातचीत नहीं हुई थी, एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र था। क्यों उनको सचिन पायलट से नहीं बात हुई, ये दर्द का सबब है बीजेपी के लिए।